नमस्कार, लगता है आप यहाँ फंस गए हैं। मैं कुछ मदद करूँ? मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, मेरे इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरे भाई, मैंने तुम्हें मुझे ओवरटेक करते हुए देखा था और तुम ढलान से नीचे आते वक्त गलत गियर में थे। मुझे यकीन है कि तुमने एग्जॉस्ट ब्रेक का उपयोग नहीं किया। चलो देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। तुम्हारी गाड़ी पहले गियर के बजाय उच्चतर गियर में ढलान से नीचे जा रही थी। गाड़ी की गति सीमित गति सीमा से अधिक हुई और गति में इस वृद्धि के कारण पहियों की गति ट्रांसमिशन के द्वारा इंजन में संचारित हुई, जिसके कारण इंजन ओवररन हुआ। सामान्य स्थिति में गाड़ी चलाते वक्त इंजन की गति क्लच, ट्रांसमिशन और डिफरेंशियल के माध्यम से पहियों में संचारित होती है। चलो मान लो कि इंजन 2500 आरपीएम से चल रहा है और गाड़ी पांचवें गियर में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इंजन का 2500 आरपीएम मेन शाफ्ट गियर में संचारित होता है और वो 2500 आरपीएम से घूमने लगता है। ये गियर आगे आरपीएम को ले शाफ्ट में संचारित करता है। चूंकि गाड़ी पांचवें गियर में है और सीधे मेन शाफ्ट से ड्राइव हो रही है, इसलिए गियर बॉक्स आउटपुट शाफ्ट पर 1944 आरपीएम संचारित होता है। डिफरेंशियल रिडक्शन की वजह से व्हील पर 349 आरपीएम प्राप्त होता है। गाड़ी की गति में इस वृद्धि के कारण पहियों की गति बढ़ जाती है और गति प्रवाह विरुद्ध हो जाता है। अब पहियों का 390 आरपीएम आगे आउटपुट शाफ्ट में 2172 आरपीएम में संचारित होता है और फिर इंजन पर 6072 आरपीएम, जो कि डिजाइन की हुई सीमित अधिकतम इंजन गति से ज्यादा है, और इंजन ओवररन होता है। सामान्य रूप से गाड़ी चलाते वक्त इंजन की गति सीमित अधिकतम इंजन गति से अधिक नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर गाड़ी गलत तरीके से चलाई जाए तो इंजन गति सीमित गति से बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, ढलान से उतरते वक्त, यहां तक कि प्लेन रोड पर चलाते वक्त, अगर एग्जॉस्ट ब्रेक या सर्विस ब्रेक का सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया और गाड़ी की गति को गियर कम करके नियंत्रित किया गया हो तो इंजन की गति बढ़ जाती है। इंजन ओवररनिंग के दौरान वाल्व मैकेनिज्म की जड़ता बढ़ जाती है, जिसके कारण टैपेट कैम कॉन्टूअर को फॉलो करने में असफल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप टैपेट जंपिंग होती है और उसके बाद वाल्व स्प्रिंग सर्ज की शुरुआत होती है। टैपेट जंपिंग और वाल्व स्प्रिंग सर्ज के कारण इंजन वाल्व ठीक से काम नहीं करते, जिसके कारण वाइब्रेशन डैम्पर, पुश रॉड्स, टाइमिंग गियर्स, बेयरिंग सीजर्स क्षतिग्रस्त होते हैं और कुछ गंभीर मामलों में सिलेंडर ब्लॉक को नुकसान हो सकता है। क्या करें और क्या नहीं? गाड़ी चलाते समय चढ़ाई या ढलान पर एक ही गियर का प्रयोग करें और दोनों स्थितियों में गाड़ी की गति समान रखें। उदाहरण के तौर पर, यदि चढ़ाई पर चढ़ने के लिए पहले गियर का उपयोग किया जाता है तो ढलान से उतरते वक्त भी पहले ही गियर का उपयोग करें और गाड़ी की गति भी समान रखें। गाड़ी को कभी भी न्यूट्रल स्थिति में ना चलाएं, क्योंकि न्यूट्रल स्थिति में गियर बदलने पर और इंजन की गति से मेल खाने की कोशिश करने पर इंजन ओवररन हो जाता है। हमेशा निचले गियर में गाड़ी चलाएं, एग्जॉस्ट ब्रेक हमेशा ऑन रखें और ढलान पर आवश्यकता अनुसार फुट ब्रेक का उपयोग करें। ये गाड़ी की गति को अचानक से कम करने के लिए गियर बदलने की आवश्यकता से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है। उच्च से निम्न क्रम में, जैसे छठे से पांचवा या पांचवें से चौथा गियर बदलते वक्त, ये सुनिश्चित करें कि बदले जाने वाले गियर की सुझाई गई सीमा तक गाड़ी की गति को कम किया गया है। ऐसा ना करने पर गाड़ी में समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि इंजन ओवररनिंग से कंपोनेंट क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जो कि पहले दर्शाया गया है। तो हमेशा गाड़ी चलाते वक्त इन चीजों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।